नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन साइंस हब स्टेप्स में और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए बेहतरीन नुस्खे को लेकर। तो आज ये जो सामग्री देख रहे हैं ये बहुत ही खास और अहम है। इसका जो मैं बताता हूँ, आज का जो टाइटल है हमारा ये है कि पेट की चर्बी, पेट के नीचे की जो बहुत ज़्यादा फैटी चर्बी होती है उसको कैसे हमेशा के लिए ख़त्म करें, कैसे पिघलाएं। तो इसके लिए हमारा ये नुस्खा है, हमारी जिंदाबाद हमारी प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ, इससे हमने लिया हुआ एक नुस्खा है और इसको हम बनाएंगे अभी। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी हम किसी डॉक्टर या उनके पास जाते हैं कंसल्ट के लिए जाते हैं तो पेट की चर्बी के लिए क्या बताते हैं कि दूध, दही और तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड खाना बंद कर दें। वो क्या स्टार्ट करते हैं कि नमक, साल्ट और इस तरह की चीज़ें, क्षारीय चीज़ें आपको बताते हैं, जिनसे क्या होता है कि आपके चर्बी वर्बी तो कम होती है, उसके साथ साथ आपकी शक्ति भी, शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमारे इस प्राचीन नुस्खे में जो हमारी दवाइयाँ हैं इसको क्या बनाएंगे, अभी काढ़ा बनाएंगे, इसको बोल सकते हैं चाय। 1 कप चाय है जिसके साथ सुबह आप खाली पेट पियेंगे तो आपकी पेट की चर्बी गुडबाय हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप एक स्लिम ट्रिम, एक अच्छे खूबसूरत एक बॉडी को लेके खुश रह सकते हैं। और ये उसका लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए है, तो इनको दोनों कर सकते हैं। तो इसमें को बनाने के लिए मैं बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 चम्मच शुद्ध जीरा, जो कि हम अपने घर में यूज करते हैं, सब्जी उब्जी में यूज करते हैं, वो लेंगे। 1 चम्मच जीरा लेंगे, ठीक है? और आधा चम्मच या फिर 2 चुटकी ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा 2 चुटकी लेंगे अपन काला नमक। तो ये काला नमक है, ये इसमें मिला लेंगे अपन साथ में और इनको कूट लेंगे अच्छी तरह। इसको अपन को बारीक कूटना है, बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लेना है इसको। इसको कूटने के बाद अपन को क्या करना है कि 1 गिलास पानी लेंगे, बढ़िया शुद्ध पानी लेंगे अपन आरओ का, 1 गिलास पानी ले लेंगे और इसको एक केटली में अपने उस पर गैस पे गर्म करने रख देंगे। और उसके बाद उसमें अपन ये जीरा और काला नमक का जो मिश्रण है वो डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, एक नींबू लेंगे और एक नींबू को काट के आधा आधा नींबू अपन उस पानी में डाल देंगे और उसको उबलने देंगे। जब तक पानी आधा ग्लास नहीं रह जाए हम उसको उबलने देंगे, और जब उबल जाए तो उसको छान के किसी एक कप में डाल लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अपन मिलाएंगे 1 चम्मच शहद। शहद हम बाद में इसलिए बनाएंगे क्योंकि शहद कभी भी गर्म करके नहीं खाते हैं अपन, वो गलती हुई चीज़ में शहद नहीं डालते हैं, तो उसका क्या है कि इसका वो ख़त्म हो जाता है और उससे कई पॉइजनिस्ट वो भी बन जाते हैं, तो अपन वो काम नहीं करेंगे। अपन शहद लेंगे और शहद की 1 चम्मच जब अपन कप में डाल लेंगे, छान लेंगे उसको, तो उसके बाद डालेंगे, ठीक है? तो उसके बाद अपन उस चाय जो अपनी 1 कप जो चाय बनेगी उस चाय को सुबह सुबह खाली पेट हम पियेंगे। और ये काम हमको कम से कम 2 हफ्ते तो करना ही करना है। तो आप देखेंगे आपके पेट के नीचे की जो चर्बी है, बहुत जो फैट जो बढ़ गया है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो आप एकदम स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। और पेट के मोटापा कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, आप सब लोग जानते हो कि 99% बीमारियां जो हैं पेट से ही पैदा होती हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि चर्बी बढ़ने से मोटापा हो जाता है, आपकी मानसिक क्षमता, मानसिक टेंशन बढ़ जाती है, आप अच्छे भी नहीं दिखते हो, सुंदर नहीं दिखते हो, तो आपके एक मेंटलिटी भी चेंज हो जाती है। तो उस सबको माइंड में ना रखते हुए हम कोई ऐसी एलोपैथिक दवाई का यूज़ नहीं करेंगे जिनसे हमारे शरीर में स्ट्रक्चर को, बॉडी को नुकसान हो, जिससे हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो। तो हम अपने प्राचीन नुस्खों का यूज करेंगे, हमारे प्राचीन एक ग्रंथ है, इसके सारे हम बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको कोई भी दूसरी चीज़ यूज करने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ नुकसान तो कभी करती नहीं, आयुर्वेदिक चीज़ है, आपको 100% फायदा ही फायदा करेगी और आपके पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो निरोगी रहिए, अच्छे रहिए, बिंदास रहिए, मोटापा लेके मत घूमिए, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अच्छे सुंदर दिखेंगे। मोटा पेट में एक मोटापे से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता दूं कि मोटापे के अंदर सेक्स की क्षमता भी खत्म हो जाती है, लोगों को आपस में पति पत्नी को सेक्स करने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि वो उसका एक रोग है एक तरह से मोटापा, उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, कैंसर और आपके ये शुगर, इतनी सारी जो बीमारियां, इनसे दूर रहिए। और आप एक कप चाय तो पी ही सकते हैं बना के सुबह, तो ये कोई ऐसी कोई महंगी नहीं है, घर में मिलने वाली चीज़ है। तो आपको लेना क्या है, जीरा लेना है जो घर में आपके में अवेलेबल होता है, और एक काला नमक है ये भी अवेलेबल होता है, नींबू भी अवेलेबल होता है आपके घर में, शहद भी आपके घर में होता है, रामदेव का, पतंजलि का शुद्ध शहद होता है, अच्छा है ये ले आइए। तो इन तीनों को मिला के मिश्रण बनाना है, आपको कूट के छान के इसको चाय बना के सुबह सुबह पीना है। उसको पीने के बाद आप 2 हफ्ते बाद अपने आप में अपने पेट की चर्बी जो है आपके सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की वो बढ़ जाएगी। और दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर जो प्रोवाइड कराते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, आपको डाइटिंग पर रखते हैं, तो उससे होता क्या है कि एक्चुअली आपकी मेटाबॉलिज्म क्षमता बढ़ती नहीं है, आपका शरीर तो कम हो जाता है, लेकिन आप उससे क्या होते हो, सुस्त भी हो जाते हो और आपकी शरीर की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो पतले होने के साथ साथ आपके शरीर की शक्ति भी खत्म हो रही, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका शरीर सूख जाता है, चर्बी की जगह हटते ही वो कमजोरी आ जाती है। तो आप इस चीज़ का यूज करिए, इससे आपको कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और जो कन्वर्ट आपकी एनर्जी है, जो आप एनर्जी एक बर्न करोगे इसके थ्रू, तो आपके फैट में नहीं कन्वर्ट होगी, वो डायरेक्ट आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी और आप अच्छे स्लिम ट्रिम हो जाओगे, पतले हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस नुस्खे को यूज करो, फिर मुझे कमेंट में बताओ, अगर वीडियो आपको जैसा लगा आप कमेंट में लिख ही दोगे, और आपकी कोई और भी इच्छा है और किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपके साथ बना रहूँगा अपने प्राचीन नुस्खों के साथ। एंसेंट्स हर्ब्स कोर्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।